इस कोरोना काल में कई लोगों को संक्रमण के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका इस कोरोना काल ने सब कुछ छीन लिया, मगर ये दुख का वक्त भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाया। ऐसी ही एक महिला फराना अब्दी हैं, जो गरीबों की लगातार मदद कर रही हैं। दरअसल लखनऊ के कल्याणपुर में रहने वाली फराना अब्दी के पति की पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद फराना ने हिम्मत नहीं हारी और कोरोना की दूसरी लहर में गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया। फराना अपने बच्चों के साथ मिलकर रोजाना गरीबों तक खाना पहुंचा रही हैं। इतना ही नहीं, फराना ने ऑक्सीजन संकट के वक्त भी लगातार लोगों तक सिलेंडर को पहुंचाने का काम किया। इस कोविड पेशेंट वालों के साथ सबसे ज़्यादा करती हूँ, और जो विकलांग हैं उनकी भी हेल्प करती हूँ, राशन भिजवाती हूँ, और थर्सडे के दिन पका हुआ खाना भेजती हूँ, और यतीम बच्चों के साथ भी। और मैं चाहती हूँ कि कोविड पेशेंट वालों से लोग जो हैं छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कोविड पेशेंट वालों के सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, यही मेरा कहना है आप लोगों से। और मैं ये चाहती हूँ कि उनके परिवार में जो लोग हैं उनकी भी सहायता कीजिए। आप खाना भिजवा सकते हैं, आप खाना बाहर से भी टांग सकते हैं, लोग उसके घर जाना पसंद नहीं करते, लोग उसकी हालचाल नहीं पूछते, कितना बड़ा दुख बड़ी बात है ये आप खुद सोचिए कि एक तो कोविड से इंसान पीड़ित है और आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि कोविड है ये सोच के इंसान मर जाता है, और आप अगर साथ नहीं देंगे तो कितनी बड़ी बात है। आप ये सोचिए इस दुनिया में क्या आप लेके क्या आप जाएंगे ऊपर, अगर आप सपोर्ट करेंगे सबकी तो कितना बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर हमने बहुत सारे कोविड पेशेंट हमारे पास आते हैं, किसी को एडमिट कराया हमने, तो आप बहुत उम्मीद से ही तो आपके पास आता है, कुछ समझ के ही तो आता है आपके पास, ऐसे तो आपके पास नहीं आएगा। बहुत सारे लोग दो दो तीन दिन मजे रात में हमारे पास आते हैं, आज हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है, आज हमारी पत्नी की तबीयत ख़राब है, लोगों तक की ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या मेरे बच्चे छोटे नहीं हैं, मेरे ये छोटे वाले बेटे अली नाम है, ये बड़ा बेटा है, तो आप सोचिए क्या मुझे डर नहीं है कोविड से, क्या आप किसी के काम आकर के मर नहीं सकते, मरना तो एक दिन है ही है, क्यों नहीं किसी के काम आकर के हम इस दुनिया से जाएं, लोगों को सीख दे करके। फराना अब्दी ने कोरोना काल में लोगों की मदद नहीं करने वाले नेताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त तो नेता घर घर जाकर लोगों को हर चीज का वादा करते हैं, लेकिन मुश्किल के वक्त गरीब जनता के पास कोई नहीं आता। हमारे साथ 28 लोग जुड़े हैं, हमारे भाई लोग भी जुड़े हुए हैं, और हमारा पड़ोसी फराज वो भी जुड़ा हुआ है, और काफ़ी दिन से हमारा सपोर्ट कर रहा है। और मेरा यही कहना है कि हर एक इंसान को साथ देना चाहिए, और ये भी कहना है कि जो नेता लोग हैं उनको भी ये सीख मिलनी चाहिए, खाली नेतागिरी से काम नहीं चलता है। आप गरीबों की समस्या को, जब आपको वोट लेना होता है तब तो आप घर ज़रूर जाएंगे, आप जाएंगे आपको वोट के लिए, एक एक वोट की बड़ी कीमती होती है, क्या कि ज़िंदगी की कोई कीमत है ही नहीं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरा ये भी कहना है नेता लोगों लोग जितने भी लोग हैं नेता, तो प्लीज़ उन लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनका सपोर्ट किए। जिस तरह से आप घर घर दरवाजे दरवाजे आप इलेक्शन के लिए जाते हैं, उसी तरह आप उनकी पीड़ा को समझिए, उनकी मदद कीजिए, राशन से कीजिए, बाहर से भी तो हेल्प कर सकते हैं, खाली ज़बान से नहीं होता है। आपने भाषण तो बहुत लंबे लंबे दे दिया कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, क्या कोई नेता ने का सुना है आपने अभी तक की कि आज ये नेता जी खड़े हुए हैं लोगों की मदद कर रहे हैं, आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा। आपको बता दें कि फरहाना के पति शिहान अब्दी को पिछले साल कोरोना हो गया था। इस दौरान फरहाना के पति का लगभग एक महीने तक इलाज भी चला था, लेकिन वो कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। शिहान अब्दी की मौत के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया था, मगर फरहाना ने फिर से परिवार का हौसला बढ़ाया और उनको फिर से जीने की वजह समझाई। अब जाकर फरहाना खुद ही घर घर जाकर लोगों की मदद कर रही हैं। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।